नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक विशेष पैकेज का, जिसकी घोषणा कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हम उस पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें श्री प्रधानमंत्री ने इस देश के मजदूरों, गरीबों, रिक्शा वाले, ठेला वाले, प्रवासी, इन सब को विशेष सहायता देने के लिए घोषणा की गई है। 20 लाख करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम कि देश की अर्थव्यवस्था लाइन पे जरूर आ जाएगी अगर मोदी जी के बातों में झोलझाल ना हुआ तो। वैसे झोलझाल ना हो ये नामुमकिन है। मोदी सरकार काम कम बात ज़्यादा करती है, जैसा कि आपने कल नेशनल टीवी पे देखा। मोदी जी के 35 मिनट के भाषण के दौरान आपने क्या बातें सुनी? आपके जीवन में अगले 7 दिनों में क्या बदलाव आएगा? ये 20 लाख करोड़ रुपए कैसे मैनेज होंगे, ये बात आपको निर्मला सीतारमण यानी कि भारत के वित्त मंत्री बताएंगे। लॉकडाउन 4 के नियम के कायदे कानून आपको भारत के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह बताएंगे। तो मोदी जी ने आपको इन 35 मिनट में क्या बताया? भारत सोने की चिड़िया था, Y2K और भुज का भूकंप। हमें जो उम्मीद है इस 20 लाख करोड़ रुपये का, अगर आधा पैसा भी देश की अर्थव्यवस्था में या सही दिशा में लगा दिया जाए तो ज़रूर देश का कल्याण होगा। लेकिन अगर ये रकम सच में अर्थव्यवस्था में आने वाली है तो ये देश के लिए बूस्टर का काम करेगा। लोगों को इस पैसे से लोन मिलेगा, जो लोग अपने काम धंधे को संभालने में लगाएंगे, जिनके दुकानें बंद है 2 महीने से नया माल खरीदेंगे, जिनके ट्रक खड़े हैं वो मैनेज करेंगे, जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद है वो सर्विस दोबारा स्टार्ट करेंगे। कुल मिला के अगर ये सब घोषणा जितना स्मूथ है उतना चलते रहा तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।